सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो हाइसन की तरफ से E4G सीरीज स्मार्ट टीवी के बारे में, जहाँ पर आपको इसका साइज़ है ना वो 32 इंच वाला है, उसका यहाँ पर हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं। एंड ये यानी जिस प्राइस पर आता है ना, यानी 14,000 14,500 रुपये की प्राइस में ये स्मार्ट टीवी आपको देखने मिलता है, उस प्राइस के जस्टिफाइड करता है नहीं करता, प्राइस वाइज ये स्मार्ट टीवी आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कंप्लीट आपको इसके बारे में मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर इस वीडियो को एंड तक देखने लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके उल्टा प्रेस एंड लाइक जरूर से करें, बिकॉज गाइस ऐसे ही जो LED न्यू टीवी होते हैं ना, उन पर हम डिटेल वीडियो बनाते रहते हैं। तो आपको यहाँ पर एक न्यू LED टीवी बाय करना है ना, तो आपको जरूर से इस वीडियो को देखना चाहिए कंप्लीट। तो गाइस शुरू करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले की। तो गाइस डिस्प्ले में यहाँ पर आपको 32 इंच का आपको HD जो प्लस रेडी डिस्प्ले देखने लिए मिल जाता है। वैसे यहाँ पर साइज़ भी आपको काफ़ी बेटर देखने लिए मिलता है। यहाँ पर आपको A+ ग्रेड 8-bit जो FRC VAD LED पैनल यूज़ हुआ है यहाँ पर। एंड गाइस बेटर डिस्प्ले क्वालिटी के लिए यहाँ पर आपको नेचुरल कलर एंड नॉइज जैसी टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है इस जो हाइसेंस E4G सीरीज में। यस, जो कि काफ़ी आपको यहाँ पर कंटेंट कंज्यूम कर लो, चाहे आप इसमें डेट कुछ भी यहाँ पर आप इसमें देख लो, वॉच कर लो, वो आपको कंज्यूम करते टाइम एकदम अलग ही फील आने वाला है, यानी इस टेक्नोलॉजी के जरिए। स्पीकर साउंड क्वालिटी के लिए गाइस यहाँ पर आपको जो 20 वाट के ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड अगर इन पर आप एक्स्ट्रा साउंड बार को अप्लाई करते हो ना, तो फिर आपको तो थिएटर जैसा फील आने वाला है। तो अगर आप इस स्मार्ट टीवी पर कोई एक्स्ट्रा जो साउंड बार अप्लाई करना चाहते हो ना, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सेलेक्टेड जो आपको साउंड बार देखने लिए मिलते हैं ना, वो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रखा है, अमेजोन से आज के ऑफर के साथ आप उन्हें बाय कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आपको इसमें यानी 20 वॉट के ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर उनका साउंड कम देखने लिए आपको मिलेगा, मैं इतना कह सकता हूँ। अगर और साउंड चाहिए तो आप अगर साउंड बार अप्लाई करोगे तो और फिर आपको यहाँ पर थिएटर जैसा फील आएगा। एंड यहाँ पर अलॉन्ग विथ डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट ऑब्वियसली देखने लिए इसमें मिल जाता है। तो चलिए गाइस अब यहाँ पर इस टीवी में परफॉर्मेंस के लिए बात करें, तो गाइस परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर आपको जो क्वाड कोर A55 CPU एंड यहाँ पर GPU की बात करें, तो गाइस यहाँ पर आपको 31MP2 का GPU देखने लिए मिलता है एंड 1 GB की रैम एंड 8 GB का स्टोरेज टाइप देखने लिए मिलता है। एंड्रॉयड 11 पर देखने लिए मिलती है, जो कि यहाँ पर आपको न्यू वर्जन देखने लिए मिलता है टीवी का। तो यहाँ पर आपको गूगल क्रोमकास्ट एंड यहाँ पर आपको वॉइस असिस्टेंट अलेक्सा इनका सबका ऑप्शन देखने लिए मिलता था। आल जो OTT प्लेटफॉर्म का ऑप्शन इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट देखने लिए मिलता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर कनेक्टिविटी डिपार्टमेंट में HDMI जो 2.0 पोर्ट, USB पोर्ट एंड यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.0 ड्यूअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने लिए मिलता है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आपको स्पेशल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो गाइस हाइसेंस जो E4G 32 इंच स्मार्ट टीवी ना, उसका प्राइस आपको यहाँ पर 14,500 रुपये या 14,499 रुपये देखने में मिलता है। उस प्राइस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको इसे कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। ऑफर वगैरह में अगर ये आपको 12,000 से 13,000 रुपये या 12,000 से नीचे मिल जाते हैं ना, तो हाईली रिकमेंडेड है ऑफ़र वगैरह में, वरना आप इसे यानी इस प्राइस में 14,490 रुपये अगर लेते हो तो मैं इसको यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा। और अदर स्मार्ट जो एंड्रॉयड LED टीवी है उन पर डिटेल वीडियो किया गया है, रेडमी की एंड यहाँ पर इन्फिनिक्स की, तो आप उनकी तरफ जा सकते हो, वो इससे बेटर बेटर स्पेक्स आपको प्रोवाइड कर देती है कम प्राइस में। तो गाइस अगर आप इसकी तरफ जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, एंड उनकी तरफ आप जाना चाहते हो तो वीडियो को चैनल चेकआउट करके आप उनकी तरफ भी जा सकते हो, वहाँ पर आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमारे लिए ये स्मार्ट टीवी बेटर चॉइस हो सकती है नहीं हो सकती। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके उल्टा प्रेस से करें, बिकॉज गाइस ऐसे हेल्पफुल कॉन्टेंट वीडियो हम आपकी डेस्क पर लेकर आते रहते हैं। एंड गाइस मिलता हूँ स्माइल।